नमस्कार, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द स्टडी कैफे भाई परीक्षा पर। तो कैसे हैं सभी? तो आ जाइए एक बार सभी लाडे सर लाडवरानियों और जुड़ जाइए क्लास के अंदर घटना घटाने के लिए, मौसम बनाने के लिए। मैं आपका भाई यानी हर्ष कुंडारा रीजनिंग की तड़कती भड़कती दुनिया में आपका हृदय की गहराइयों से अभिवादन, राम राम, सभी लाडे सरों का स्वागत। चलिए भाई, क्या कह रहा है जल्दी से बताएं भैया। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, सबकी चाह पीढ़ी तक पूछता रहो, पकड़ो ये सीधा। शाबाश गुड़िया, सुरेश, मोनिका, रोमिला, सुरेश। तो चलिए, गुड मॉर्निंग माही केवट, राम राम भाई, सभी का स्वागत है लाडो, आप सभी मेरे प्यारे भाई और बहनों का। तो चलिए अपन लेकर चलते अपना पहला प्रश्न, जैसा कि आप लोगों के सामने आया है आरआरबी जेई का ये क्वेश्चन है। और पहला प्रश्न क्या कह रहा है बेटा कि जन्म मृत्यु अंत्येष्टि विवाह और शिक्षा, इनको आपको एक साथ जमाना है। जमाना है बेटा, जमाना है मतलब जमाना है, कुछ भी हो जाए कैसे भी हो जाए आपको इसको तीतरी कर देना है, बस सीधी बात, नो बकवास, क्लियर है। चलिए बेटा शाबाश, आ जाओ। आ जाओ बेटा शाबाश। यहां कैसी बचीड़ लगाएंगे आप लोग, देखिए बेटा यहां पर क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान दे मेरी बात को, कि जन्म मृत्यु अंत्येष्टि विवाह और शिक्षा, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है बेटा, बेटा जन्म होता है, ठीक है। उसके बाद में भैया क्या होता है बेटा, शिक्षा दी जाती है, अपने को पढ़ाया लिखाया जाता है। उसके बाद में आपका विवाह किया जाता है यानी चौथे नंबर पे। उसके बाद में आपकी मृत्यु हो जाती है, तुम सलट जाते हो, तुम्हारा मौसम बढ़ जाता है। और उसके बाद में अंत्येष्टि होती है यानी अंतिम आप लोगों की जो है चिता पे अग्नि दी जाती है। तो 1, 5, 4, 2, 3, 1, 5, 4, 2, 3 बेटा सी ऑप्शन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, सी ऑप्शन आप सभी का सही है, माही का सही है। वीरों की आर्मी सुबह का, राम राम बेटा। सोनम, रामवीर, सोनम कुशवाहा, नीतीश राणा, रोमिका, माही, गिरीश, आशीष गुप्ता। चलिए बेटा बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार। आ जाए अगला क्या कह रहा है, देखिएगा बेटा अगला भी आपसे कुछ कहना चाहता है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिएगा जो निम्नलिखित शब्द के अक्षरों के प्रयोग द्वारा करके नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता बेटा। डेंटिस्ट लिखा जा सकता है, DENTIST लिखा जाता है। टेम्पर, TEMPER, जल्दी से बताएं, ये नहीं लिखा जाएगा। बाकी आप लोग बताएं देखिए कौन सा आंसर होगा जल्दी से। चलिए चलिए बेटा शाबाश। आजा भाई, टेम्पर, बिल्कुल बेटा टेम्पर नहीं बनाया जा सकता क्योंकि एम इसमें नहीं है और तुमने वाले लगा दिया है ठकोरा और बना दिया है मौसम। और चेन्नई सुपर किंग्स इस बार फिर आईपीएल जीत गई है बेटा, धन्यवाद। कल मैं भी देख रहा था थोड़ा थोड़ा मैच, बहुत अच्छे बेटा। यहां पर सिलोज वाला क्वेश्चन है, 3 से 7 क्वेश्चन आपके सिलोज के आएंगे और आप लोग इसको लपका दीजिएगा कैसे। देखिए आप लोगों के सामने सवाल आ रहा, पहला ये आप लोगों का RPF SI का है, मतलब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स SI, सिलोज को है ना, सिलोज को बड़ा तगड़ा मानता है दोस्तों। चलिए जयंत भाई, जयंत सुनील, जयंत भाई शाबाश, शाबाश राडे सर, आ जाओ। बहुत अच्छे बेटा, बहुत ही बढ़िया। एक तो सेशन को मैक्सिमम आप शेयर करें यार, जब तक आप शेयर नहीं करोगे तब तक कैसे पार पड़ेगी, मौसम कैसे बनेगा आप लोगों का मुझे ये नहीं पता, ठीक है। आप लोग शेयर करें, हेलीकॉप्टर बना दे, तीतरी कर दे सवालों को, तब जाके मौसम आपका बन जाएगा और हम इसको हेलीकॉप्टर कर देंगे, गुणाकार करके, भागाकार करके, हेलीकॉप्टर करके इसको तीतरी कर देंगे भाई। चलिए राधे राधे गुंजा सभी को, राधे राधे बेटा। अभिषेक गुप्ता कैसे है भैया, मौसम बन रहे हो कतई, खेल जाओ भैया खेल जाओ। क्या कह रहा है बाबू, कोई भी फैक्ट्री उद्योग नहीं है, देखो भैया कोई भी फैक्ट्री क्या नहीं है, उद्योग नहीं है, सभी वर्कशॉप उद्योग है। तो वर्कशॉप अंदर आ जाएगा, वर्कशॉप उद्योग है, कुछ संयंत्र वर्कशॉप है, तो ये कुछ संयंत्र क्या हो जाएगा बेटा, वर्कशॉप है।
तो कुछ इस तरीके से आपका डायग्राम बनेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये आ गया ऐसे। अब क्या बोल रहा है बेटा, कोई भी वर्कशॉप फैक्ट्री नहीं है, बिल्कुल बेटा। क्यों? क्योंकि जब पूरा का पूरा उद्योग फैक्ट्री नहीं होगा तो बेटा ये अंदर वर्कशॉप भी कभी फैक्ट्री नहीं होगा, कन्फर्म सही है। कम से कम कुछ संयंत्र उद्योग है, कम से कम कुछ संयंत्र उद्योग है, बिल्कुल उद्योग है, तो बेटा ये भी कन्फर्म सही होगा। दोनों अनुसरण करते हैं, बोथ आर फॉलो बेटा, दोनों अनुसरण करते हैं, दोनों राइट है बेटा, क्लियर है। ओ मिस्टर एमडी मोहिन, वाओ क्या बात है। तो बेटा यहां पर क्या है बाबू, इस जगह पर ये तो हिंदी में आएगा है ना, नो फैक्ट्री आर उद्योग, नो वर्कशॉप आर उद्योग, नो संयंत्र आर वर्कशॉप, ये तो ऐसे ही होता है। बाकी अभी इंग्लिश की लैंग्वेज में जो भी क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताऊंगा, बाय लैंग्वेज ही चलता है अपना, भी दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। अब टोटल अंग्रेजी में पढ़ाऊंगा तो समझ रहे हो, या मेरे कई छोरे हेलीकॉप्टर हो जाएंगे। चले भाई और बताइएगा दोस्तों यहां पर क्या आंसर आ रहा है। देखिए आपका स्टेटमेंट जो कह रहा है, स्टेटमेंट ये कह रहा है कि कुछ रेत कण है, सम रेत आर कण, कुछ कण गिलास है, सम कण आर गिलास, तो देन उसका जो कंक्लूजन है वो नीचे लिखा हुआ है। तो बताइएगा बेटा कि कुछ रेत कण है, ठीक है बेटा, तो कुछ रेत क्या होंगे बेटा, कण होंगे। ये लो भैया कण 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 कण, कुछ रेत क्या होंगे, कण होंगे, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, कुछ कण गिलास है, तो बेटा कुछ कण क्या हो जाएंगे बेटा, गिलास हो जाएंगे, तो कुछ कण क्या होंगे, गिलास होंगे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, कुछ गिलास निश्चित रूप से कण नहीं है। अब देखो बेटा ध्यान दीजिएगा, कुछ गिलास निश्चित रूप से कण नहीं है, ये मुझे नहीं पता, मैं तो केवल संभावना बोलता हूँ, पॉसिबिलिटी केस बोलता हूँ, आपको पता है हमेशा, ठीक है। कुछ गिलासों का रेत होना एक संभावना है, हाँ कुछ गिलासों का रेत होना एक संभावना है, तो बेटा ओनली सेकंड। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा मैं जब भी बात करता हूं इस प्रकार के डायग्राम की और इस प्रकार के डायग्राम की, जब इन दोनों डायग्राम की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं बेटा, पॉसिबिलिटी केस होता है। कौन सा केस होता है बेटा, पॉसिबिलिटी केस, डाउटफुल केस। और मैं बोलता हूं बेटा इन दोनों के बीच में आपको पॉसिबिलिटी बोलना है, यानी संभावना बोलना है, तो बेटा सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ओनली सेकंड ऑप्शन इज द फॉलो, क्लियर। मेरा नाम है सुरेंद्र जी, ओके आपका गुंजा, तेरा नाम तो गुंजा था ना, आज सुरेंद्र कैसे हो गया तेरा नाम। मोनिका शर्मा नमस्कार बेटा, जल्दी बताएं जल्दी बताएं जल्दी बताएं, आंसर देते रहिए, मौसम बनाते रहिए, चिल्ड आप होते रहिए, तीतरी कर देंगे, मौसम बना देंगे पूरा पूरा। चलिए आ जाओ, काम नहीं रहेगा कोई अधूरा। कुछ मूवी फिल्म है, कोई भी फिल्म एक शो नहीं है और सभी शो पिक्चर है। चलिए बहुत बढ़िया, डायग्राम में देख लेता हूं आप लोगों के साथ, तड़कता भड़कता डायग्राम बना लेते हैं कि कुछ मूवी, सम मूवीज आर फिल्म, तो कुछ मूवी क्या है, फिल्म है, ठीक है। देन कोई भी फिल्म एक शो नहीं है, कोई भी फिल्म शो नहीं है, सभी शो एक पिक्चर है, पिक्चर है। जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां, कम से कम कुछ पिक्चर फिल्म है, कम से कम कुछ पिक्चर क्या है, फिल्म है बेटा। देखो हमें केवल इतना पता है कि कुछ पिक्चर कभी भी फिल्म नहीं हो सकती, बाकी कुछ पिक्चर फिल्म है या नहीं है मुझे नहीं पता, पॉसिबिलिटी केस। कोई भी शो एक मूवी नहीं है, कोई भी शो एक मूवी नहीं है, नहीं बेटा मुझे केवल इतना पता है कि कोई भी शो एक फिल्म नहीं है, बाकी मूवी का कुछ हिस्सा एक शो नहीं होगा, ये भी संभावना, दोनों ही अनुसरण नहीं करते हैं बेटा, बोथ आर नॉट फॉलोइंग, क्लियर, बोथ आर नॉट फॉलोइंग, ठीक है। चलिए बेटा सुनील पाल आर गुड मॉर्निंग सर, मेरे को बोला था, अच्छा ठीक है बेटा। सर ग्रुप डी की एग्जाम कब होगी बेटा, 2022 में लगता है मुझे तो। बेटा माई क्या बेटा, आयदर और वाला कहां बनेगा बाबू, आयदर और वाला कहां बनेगा, इसमें पिक्चर है इसमें मूवी है, दोनों में आयदर और का केस बन ही नहीं सकता, दोनों की मोहब्बत अलग अलग है, कैसे बनेगा आयदर और वाला केस बताओ। अगला देखो बेटा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कुछ अभिनेता गायक है, कुछ अभिनेता क्या है, गायक है, तो बाबू रे ध्यान दे, यहां लिखा हुआ है अभिनेता, कुछ अभिनेता क्या है, गायक है, ये लो सभी गायक नर्तक हैं, नर्तक कुछ नर्तक खिलाड़ी हैं, कुछ नर्तक खिलाड़ी है, डायग्राम आपका आ गया है, मौसम आपका बन चुका है। देखिए बेटा क्या कह रहा है कि सभी अभिनेताओं के नर्तक होने की एक संभावना है, सभी अभिनेताओं की नर्तक होने की एक संभावना है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि केवल कुछ अभिनेता ही नर्तक है, बाकी सभी हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, ऑलरेडी इसने संभावना बोला है तो बिल्कुल बेटा संभावना है,
सभी नर्तक गायक है बेटा, सभी नर्तक कभी गायक नहीं हो सकते, तो ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज क्लियर, ओनली फर्स्ट क्लियर है, बताइए सभी लोग। यार भाई मैंने 50 बार कह दिया है कि रेलवे ग्रुप डी का पेपर कब होगा, इसके बारे में अपने को अभी कोई सूचना नहीं है बेटा, हम कोई बाबा नहीं है, हम कोई रेलवे मिनिस्ट्री में लगे हुए व्यक्ति नहीं है जो हमें पता लगे। वैसे देखा जाए तो 2021 में आपका ग्रुप डी का पेपर कभी नहीं होने वाला, 2022 में आपका ग्रुप डी का पेपर हो जाएगा, ठीक है। अब कब होगा इसकी ऑथेंटिक डेट मैं नहीं बता पाऊंगा, दोबारा आप कोई सवाल मत पूछना ये वाला, ठीक है भाई आगे आ जाओ। जैसे कोई एग्जाम होगा बेटा हम खुद नोटिफिकेशन लेकर आते हैं आप लोगों के लिए, हर बार लेके आते हैं। देखो बेटा एएलपी टेक्निकल नॉन टेक्निकल का ये क्वेश्चन है कि कुछ अभिनेता गायक है, देखो बेटा कुछ अभिनेता गायक है तो जल्दी बताओ इसमें आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से। चलिए शाबाश, और मैक्सिमम शेयर करो यार सेशन, आप लोग शेयर नहीं करते हो बिल्कुल भी। नहीं करा यार जीतू, हरिओम ने बात कहा करा, वो बड़ा आदमी हो गया यार, हरिओम बड़ा आदमी है यार आजकल बात नहीं करता। चलिए चलिए बेटा क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, एक सेकंड, जस्ट अ मिनट, ओके ओके डोंट वरी। देखिए कुछ अभिनेता गायक है, कुछ अभिनेता क्या है बेटा, गायक है। अब देखो यहां पर अपने पास क्या है बेटा, अभिनेता है ना, और कुछ अभिनेता क्या हो गए, गायक हो गए, तो बेटा ये हो गए अपने पास गायक, कुछ अभिनेता गायक है, सभी गायक नर्तक है, तो बेटा सभी के सभी गायक क्या हो जाएंगे, नर्तक हो जाएंगे, सभी के सभी गायक क्या हो जाएंगे बेटा, नर्तक हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ नर्तक खिलाड़ी हैं, और कुछ नर्तक क्या होंगे बेटा, खिलाड़ी हो जाएंगे, कुछ नर्तक क्या हो जाएंगे बेटा, खिलाड़ी हो जाएंगे, क्लियर है। मन में कोई गंदे विचार हो तो मुझे बता दीजिएगा। अब क्या कह रहा है, कम से कम कुछ नर्तक अभिनेता है, कम से कम कुछ नर्तक जो है वो अभिनेता है। अब बाबू नर्तक और अभिनेता है तो कम से कम कुछ नर्तक अभिनेता हो गए, कोई भी खिलाड़ी एक अभिनेता नहीं है, कोई भी खिलाड़ी एक अभिनेता नहीं है, संभावना बेटा ओनली फर्स्ट ऑप्शन आपका क्लियर होगा, ओनली फर्स्ट ऑप्शन आपका क्लियर होगा, ओनली फर्स्ट, ठीक है क्लियर है। आगे देखेंगे बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दें, इस सवाल में यह कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न आकृति दी गई है ना, बाईं ओर एक प्रश्न आकृति दी गई है और चार उत्तर आकृति दी गई है, आकृति में कैसे आकृति का चयन करना है जिसमें प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब हो, तो बेटा इसमें प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब हो तो देखो कैसे होगा, जल्दी से बताएं इसमें दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा, जल्दी बताएं। चलिए शाबाश चलिए
चलिए बेटा शाबाश। क्या कहना चाहता है, क्या कह रहा है, देखने की कोशिश करेंगे। बहुत प्यारा सवाल है। बी ऑप्शन आपका सही होगा यहां पे। बी ऑप्शन बी इज द कंफर्ट। बिल्कुल शाबाश। अरे वाह भाई, तीतरी कर दिया भाई सवालों को। कितने प्यारे बच्चे हैं। भगवान तुम्हारा भला कर दे, हेलीकॉप्टर बना दे तुमको, है तुमको तीतरी कर दे भैया, तुम्हारा सबके मतलब भला करे। तुम तो तुम्हारा सोने का सेवरा बंदे भैया, तुम जहां जहां जाओ वहां वहां तुम लोगों को सफलता मिले। तुम हेलीकॉप्टर बढ़ जाओ, तुम देवी देवता हो, तुम अवतार हो अवतार। फटाफट आंसर निकालो भैया, जल्दी से। तिरछी निगाहों से मैं किसी को नहीं देख रहा एक्चुअली। अपने टेक्निकल टीम है, टेक्निकल टीम कुछ कह रहे थे तो मैं समझ रहा था कि क्या कहना चाहते हैं। अब आपको तो पता है, बाकी इस उम्र में तिरछी निगाहों से क्या दिखाएगा तू मुझे। बाबू रे ये बोल रहा है कि इसको लपकाओ रे, तो इसको ऐसे लपकाओगे, 4 बार खुलेगा ये थोड़ा बड़ा ऐसे हो जाएगा, इधर खुल के ये इधर खुल जाएगा, फिर ये दोनों भी इधर ही आएंगे ऐसे करके, और ये वाला भी इधर आएगा ऐसे करके। तो मुझे एक बात बताओ, ये आपका आंसर है तो कौन सा होगा बे? ओहो, ए ऑप्शन, ऑप्शन ए लपका दो, बना दो मौसम, कर दो तीतरी। भैया बी कहाँ होगा, ए होगा। जल्दी बताएं। चलिए क्या कह रहा है। एक कागज को दिखाए प्रश्न के अनुसार मोड़कर काटा गया है, खोलने पर नीचे दिखी उत्तराकृति। तो बेटा ये आपका पूरा का पूरा ए ऑप्शन होगा, कहीं पर भी आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं बता रहा हूं, शेड्यूल आप लोग चेक कर सकते हैं अपना शेड्यूल, शेड्यूल टाइम टेबल समय सारणी। जो बच्चा नया क्लास में आया है, जिसको नहीं पता कि भाई रेगुलर कहाँ कहाँ क्लास होती है अपनी, तो मौसम बना देंगे पूरा का पूरा, झपके लगा देंगे। बाबू रे 10 से 11 रीजनिंग की क्लास होती है, जहां आपका भाई, आपका अपना भाई मिस्टर हर्ष कुंडारा जी आपको रीजनिंग पढ़ाते हैं। 11 से 12 आपके सर आपको सोम सर मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। शाम को 8 से 9 पाठक जी सर की साइंस की दुनिया चलती है। जिन लोगों को नहीं पता देख ले, मौसम बढ़ जाएगा उनका, नहीं तो ठीक है आगे आ जाओ। कर देंगे तीतरी, लगा देंगे आग, हेलीकॉप्टर बना के कर देंगे बेपाक। चलो भाई शाबाश मेरे लाडे सरो, बना दो तीतरी, कर दो हेलीकॉप्टर, आ जाओ भाई छोरो, आ जाओ शाबाश। बेटा बार बार रुक रहा है वो आपके उसमें, देखो मेरे पास तो पूरा चल रहा है सर। ऐसे कैसे अपने मन से करेंगे कैसी भी डायग्राम? बेटा मन से नहीं होता, मन से नहीं होता बेटा, आपको दिमाग लगाना होता है। ये देखो यहां पर डाटा दिया गया है, डाटा सफिशिएंसी आपका क्वेश्चन आ गया है, डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है बेटा। और डाटा सफिशिएंसी आपको पता है, मैंने काफी लोगों को करवाया है। आरपीएफ ऐसा ही बोल रहा है, आरपीएफ ऐसा ही आपसे कह रहा है, थानेदार साहब आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित भाषा में रीड योर बुक को 9 to 7 लिखा जाता है, ठीक है? तो बुक के लिए किस संख्या का प्रयोग किया जाएगा, तो आप मुझे बताएं बुक के लिए किस संख्या का प्रयोग किया जाएगा। केवल ये पर्याप्त है, या केवल ये पर्याप्त है, या दोनों साथ पर्याप्त है, या दोनों ही पर्याप्त नहीं है, या दोनों अलग अलग पर्याप्त है, या दोनों अलग अलग पर्याप्त है। प्लीज गिव मी द राइट आंसर, प्लीज गिव मी द राइट आंसर। चलिए चलिए बेटा, वो बहुत बढ़िया बात कह दिया इस सवाल ने, बहुत बड़ी बात कह दी। चलिए बेटा क्वेश्चन ही तो है,
बुक के लिए किस संख्या का प्रयोग किया जाएगा? ये दो कथन है, क्वेश्चन में दे रखा है आपको। रीड योर बुक को क्या लिखा जाता है? 927 लिखा जाता है, इसी कोड भाषा में बुक ऑन शेल्फ को। तो ये पहले कथन से अगर मैं बोलूं बुक ऑन शेल्फ को 7 3 8 लिखा जाता है, तो बेटा यहां पर भी बुक कॉमन, यहां पर भी बुक कॉमन है, 7 है 7 है। तो केवल पहले से आंसर निकल गया, केवल पहले से निकला। लेकिन अगर मैं बात करूं केवल दूसरी वाली की बात करता हूं, तो यहां पर लिखा हो बेटा योर बुक 278। तो बेटा यहां पर कह रहा है कि यहां पर योवर भी कॉमन है, बुक भी कॉमन है, योवर भी कॉमन है, बुक भी कॉमन है, दो भी कॉमन है और 7 भी कॉमन है। तो आप इस सेकंड से 2 या 7 निकाल सकते हो, कंफर्म नहीं निकालोगे तो केवल पहला ऑप्शन आपका सही होगा, ओनली फर्स्ट। केवल पहला ऑप्शन आपका सही होगा, ओनली फर्स्ट। क्लियर? बेटा 7 या 8 कहाँ है? बेटा 7 या 8 कहाँ है? पहले इसने पहले ही नॉलेज दे दी कि बुक का यहां पे लिखा हुआ है। अगर मैं केवल पहले को लूंगा तो केवल पहले से बुक और बुक दोनों में कॉमन क्या है? 7 7। तो आपका आंसर आ जाएगा 7। अपने को दूसरे को कंसिडर ही नहीं करना, क्योंकि दूसरा तो आपको कंफ्यूज कर रहा है कि या तो 7 बता रहा है या 2 बता रहा है। तो केवल पहले से आंसर निकल रहा है, ओनली फर्स्ट पर्याप्त है। बताओ, ओनली फर्स्ट। मोनिका शर्मा शाबाश बेटा। ओनली फर्स्ट, ओनली फर्स्ट। ओके बेटा, थोड़ा ध्यान दिया करे यार, इसीलिए तो मैं पढ़ा रहा हूं। अरे मेरे प्यारे भाइयों, इसलिए तो तुम्हें याद आएगी मेरी। मैं कहता हूं तुम रोगे मुझे याद कर करके। जिस दिन एग्जाम में तुम्हारे सामने पेपर होगा ना, और एनजीटी ये सवाल अगर तुम्हारे सामने आ गए और तुम पढ़ोगे नहीं, तो तुम रोगे मुझे याद करके, मुझे याद करके तुम रोगी, और दिल तोड़ के हंस दिए मेरा, बफाए मेरी याद करोगी। देखना, तुम देखना, जब ताहिर की याद तुम्हें आएगी, समझ रहे हो, जब ताहिर की याद तुम्हें आएगी, घर मेरे बाद गेर का बसाएगी, और मुझे मरने से पहले एक ही था, तू ये कांड मेरे साथ करेगी। है ऐसा महसूस होगा तुम्हें, मैं बता रहा हूं तुम्हें, तुम मानते नहीं हो यार। देखो क्या बोल रहा है, वी आर से किस प्रकार संबंधित है, वी आर से किस प्रकार संबंधित है। चलिए बेटा शाबाश, आ जाओ। चलिए शाबाश, अरे राम जी मारे रे, ओ शिट। चलिए भाई, चलिए आर जी की पुत्री है, वी का आर से पूछा है, आर जी की पुत्री है। तो बेटा आर जो है इज पुत्री ऑफ जी, जी तथा एस के बच्चे हैं। ये लो, ना तो के का पता ना जी का पता ना एस का पता, इनकी बारात जाएगी कि बारात आएगी, इनका डीजे बजेगा कि बजवा के आएंगे, लेकिन अभी भी चल रहा है मामला। वी के का पति है, ओहो मारी डालोगे, ये माइनस वी जो है वो के का पति। अब क्या बोल रहा है, वी आर से कैसे संबंधित है, वी आर से कैसे संबंधित। तो बेटा ये बाप है, दोनों औलादे हैं, और ये उसकी संतान है, तो ये ग्रैंडफादर हो जाएगा। ठीक है, मन में कोई गलत विचार? तो पहले से तो पता चल रहा है कन्फर्म। अब एम का विवाह जी के साथ हुआ है, ठीक है, एम का विवाह जी के साथ हुआ, एम आर की माता है, ये मम्मी है, वी जी का पिता है, जो वी है वो जी का क्या है, पिता है, वी जी का पिता है। अब देखो बेटा ध्यान दे, अब कन्फर्म हुआ जो वी है वो जी का पिता है, तो ये लो अब कन्फर्म हो गया दोनों के दोनों में। कैसे कन्फर्म हुआ ध्यान दे, क्योंकि अब तक अपने को नहीं पता चल रहा था कि जी बेटा होगा कि बेटी,
तो मैं इसको या तो नाना बताता या मैं इसको क्या बताता बेटा, दादा बताता। लेकिन जब मैंने दूसरा लिया तब मुझे पता चला कि इसकी लुगाई ये है, तो ये बेटा है, बेटा है, तो वी जो है आर का क्या लगेगा, दादा लगेगा, नोट नाना लगेगा। तो दोनों को मिलाकर आपका आंसर आएगा कि वी आर से किस प्रकार संबंधित है, आपका आंसर आ जाएगा दादा। क्लियर है, ग्रैंडफादर। क्लियर, दोनों को मिलकर। बिल्कुल गुंजा कुमारी, मैं बिल्कुल फनी हूं, तुझे पता नहीं लगा क्या? सीरियस पढ़ा तो मेरे खूंखार बना तो सिर्फ मेरी सूरत में है बेटा। हाँ, और मैं सकल से मासूम दिखता हूं नहीं, और मैं तो रावण के नजर में भी रावण हूं। क्या बात है, आ जाओ। चलिए, ओ माय गॉड्स, क्या कहना चाहता है, क्या कहती है तेरी आंखें, क्या कहती है तेरी आंखें। चलो भाई, ये सवाल क्या कह रहा है, ये एक है, ये दो है, ये तीन है, ये नौ है, ये पांच है, ये तीन है, ये दो है, ये 16 है ना, ये चार है, ये पांच है, ये एक है, और ये क्वेश्चन मार्क है। चलिए चलिए बताओ, बताए कैसे, क्या करोगे इसका आंसर, बताइए। बढ़ा दो इसको हेलीकॉप्टर, कर दो इसको तीतरी, मैं कह रहा हूं आग लगा देंगे, आग। चलिए, शाबाश, 9 होगा बेटा। इस दो को और एक को जोड़ देंगे 3, 3 को सामने वाले 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 9, 5 और 3 को जोड़ेंगे 8, 8 दूनी 16, 4 और 5 को जोड़ेंगे 9, 9 एकम 9। बताओ इतना घटिया सवाल किसका है, ये किसका, कांस्टेबल का ही हो सकता है, देख लो, रेलवे कांस्टेबल, बताया था ना, रेलवे कांस्टेबल का ही हो सकता है, ये तुम्हें बर्बाद करने के पीछे पड़े हुए भैया, इतने गंदे गंदे सवाल। ओहो, मार डाला। चलो भाई मार डालो तो अपने क्या फर्क पड़ता है। चलिए, चलिए जल्दी से बताएं अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं। क्वेश्चन नंबर 13, जवाहरलाल रेगर, आई हैव नोट नोटिफिकेशन। बेटा एक बार क्या कीजिएगा, आप उस बेल आइकन को दोबारा वापस दबाएं, और फिर दोबारा वापस उस बेल आइकन को, नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा, है ना, या फिर एक बार चैनल को अनसब्सक्राइब करके वापस सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके पास आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। बेसिक तरीका तो यही होता बेटा। देखो बेटा यहां पर क्या कह रहा है, अरे 4 दुनिया 8, 8 3 24, 5 3 5 15, 15 7 105, 6 चौका 24, 24 5 120, तो भैया 5 आ गया, सीधी बात, नो बकवास, न जाने क्या कहता है। चलो यार एक सवाल दे देता हूं मैं तुम्हें, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे तुम्हें देना चाहिए, है ना, और आप लोगों को लेना चाहिए वो सवाल। देखो बताओ, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ऑप्शन दूं क्या, बताओ साढ़े 5 होता। चलिए बताइए, तुम धुरंधर हो रहे हो ना दादा ही, तुम इतरा रहे हो ना यार कि आप अब हर सवाल कर रहे हैं, लो इतरा हो, इतरा लो, आ जाओ। अरे मेरी जवानी में आया वो सवाल है, एक जवानी का मतलब जब मैं देता था जब एग्जाम। गुड मॉर्निंग अमिस्टर हेमंत कुमार, लेट हो गया भाई तू छोरे, इतना लेट मत हुआ कर यार।
चलिए राम राम विशाल, मोनिका ऑप्शन बी। वाह मोनिका, तू अपनी वाली मोना है या कौन से वाली मोना है पहले तो बता, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। गुंजा बस तू हमेशा हिम्मत छोड़ दिया कर, सबसे पहले तू हिम्मत हारती है गुंजा, कोशिश ही नहीं करती, ऐसे कैसे पार पड़ेगी। आ चुकी मीणा, कैसी है लाडो। अच्छा अपनी वाली है, अच्छा कल तो शॉपिंग वॉपिंग कर ली है, नए नए कपड़े दिवाली के, वाह रवि बता रहा जी के वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। यस यस, देखो मेरे प्यारे लाडे सुनो, मेरी प्यारे लाडो रानी हो, मेरे गदाधारी भीम हो, मेरी गदाधारी भीमणी हो, और मेरे कलाकारों मेरी कलाकारिणी हो, और मेरे देश के नौजवानों, मेरे हृदय, मेरी धमनिया, मेरे हृदय, मेरे आरबीसी, मेरी डब्ल्यूबीसी, सब तुम ही हो बेटा। देखो मेरे दो आलिंद दो निलंद तुम हो बेटा। यहां पर क्या लिखा हुआ है, एक और तीन है, ये 13 है, और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 प्लस एक, तो बेटा 170 आपका आंसर हो गया। क्लियर है, तो बेटा 170 आएगा, तो बेटा इसको उल्टा लिखा 170। अरे मरिया भाई छोराओ, हेलीकॉप्टर हो गया तुम तो यहीं पे। क्लियर, अच्छा आ चुकी, मैं मथुरिया क्लासेस से हूं। ओके बेटा शाबाश लाडो, स्वागत है मेरी प्यारी बहना आपका। सुबह वाले बैच से होंगे बेटा, 7 से 8 वाले बैच से, या पहले पढ़ चुकी है या अभी पढ़ रही है। देखो बेटा 17, अब आगे तो आप कर सकते हो ना। 17 का स्क्वायर कितना होगा, 289 प्लस 1 290, तो उल्टा 290। 15 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, 15 का स्क्वायर होगा 225 प्लस 1 226, तो देखो बेटा 226, तो भैया आपका आंसर आएगा 2। यहां पर आएगा आपका आंसर आ जाएगा 2। क्लियर है, आगे दिक्कत वाली बात नहीं है, पैसा बहुत है, चल रही है, आगे चले। देखो क्या कह रहा है, ओहो कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, दिल करूं देखता रहे। बेटा ये कथन और निष्कर्ष वाला ये आप लोगों के 100% आएगा, मैं कुछ भी नहीं कर सकता इसमें, आपको पता है, कोई बहाने में नहीं लगाऊंगा, क्योंकि तीतरी आपको होना ही होना है, मौसम आपका पूरा बढ़ना है बढ़ना है, कैसे बढ़ेगा ये आपका भाई बताएगा आपको। चलिए तो मोना तू आई नहीं, मैं दे देता, तूने कॉल भी नहीं किया नालायक, कम से कम कॉल तो करना चाहिए तुझे, फिर मुझे बोलती हो, गलत बात है ना आपकी। चलिए बेटा शाबाश, अरे चले बड़े ना, चलो क्या बोल रहा है, यह पाठ्यक्रम इस प्रकार बनाया गया है कि केवल थोड़े से बच्चे स्वयं पाठ सीख सकते हैं। इस पाठ्यक्रम के पाठ सीखना सभी बच्चों के लिए वांछनीय है, सभी बच्चों के लिए तो नहीं है बेटा, केवल थोड़े से लिखे हुए तो सभी तो कहां से आएगा। शिक्षक के बिना इस पाठ्यक्रम के पाठ सीखने में कुछ शिक्षार्थियों को कठिनाई होती है, बिल्कुल सही है। इस पाठ्यक्रम को इस प्रकार बनाया कि केवल थोड़े से बच्चे स्वयं पाठ सीख सकते हैं, इसका मतलब है कि केवल थोड़े ही खुद सेल्फ स्टडी से पढ़ सकते हैं, बाकी लोगों की बस की बात नहीं है, तो सभी बच्चे तो नहीं पढ़ सकते। हाँ बिना टीचर के आप नहीं सीख सकते, तो केवल दूसरा ओनली बी ऑप्शन, केवल दूसरा ओनली बी ऑप्शन, क्लियर है। चलिए आ जाओ बेटा शाबाश, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, सवाल क्या कह रहा है कि सबसे अधिक प्रदूषणकारी इकाइयां वे हैं जिनमें धातुओं पर विद्युत लेपन किया जाता है, धातुओं पर विद्युत लेपन किया जाता है, अच्छा इन इकाइयों से अत्यधिक विषैले पदार्थ का उत्सर्जन होता है, ऐसे उद्योग अधिकतर परकोटे से घिरे शहर में एकत्रित है, विद्युत लेपन वाले उद्योग अवश्य बंद होने चाहिए, परकोटे से घिरे शहर में प्रदूषण अधिक है, जल्दी बताएं भैया, जल्दी से बताइएगा, जल्दी बताएं, फास्ट बताएं और थोड़ा सही बताएं, क्या कहना चाहता है वो भी बताएं, जल्दी से बताएं।
केवल बी, बिल्कुल बेटा परकोटे से घिरे शहर में प्रदूषण अधिक है, तो केवल बी होगा, केवल बी आंसर आएगा आप लोगों का, ठीक है, ओनली बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्लियर है, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, चलिए चलो भाई चलो चलो चलिए भाई, सर रवि भाई से बोला था, उन्होंने बोला कि आज बिजी हैं सर। अच्छा 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 अच्छा, वाह भाई, मुझे तो कोई बात ही नहीं बताया, कुछ भी नहीं करा और मैं जबरदस्ती बिजी हो गया, शाबाश बेटा, फिर तो अब तू रवि भाई से पूछ के निकलियो सारे काम। आजा भाई, तो केवल बी हो गया काम, आगे क्या बोल रहा है, अरे नालायक हो इसको, ओहो मारी डालोगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, अरविंद अमित से लंबा है किंतु उतना लंबा नहीं जितना कि मुकेश। अच्छा अच्छा अच्छा, अरविंद अमित से लंबा है किंतु उतना लंबा नहीं है जितना कि मुकेश, मुकेश मधुकर से छोटा है, मधुकर से छोटा है, जो अमन जितना लंबा नहीं है, ठीक है, इस समूह में सबसे लंबा कौन है, जल्दी बताओ, चलिए आराम से बता दीजिएगा। अरविंद अमित से लंबा है उतना लंबा नहीं है जितना कि मुकेश, उतना लंबा नहीं है जितना कि मुकेश, जल्दी बताया आंसर बताया, कैसे करोगे, इसका मतलब बेटा उतना लंबा नहीं है जितना कि मुकेश, मतलब जो मुकेश होगा वो अरविंद से लंबा होगा, ध्यान देना, ठीक है, और मुकेश से लंबा कौन है, मधुकर है, और मधुकर से लंबा कौन है, अमन जितना लंबा नहीं, तो अमन है, तो आपका आंसर क्या आएगा, सबसे लंबा कौन है, तो बेटा सबसे लंबा है अमन, तो बेटा ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, सबसे लंबा कौन है, अमन, जितना लंबा नहीं का मतलब होता है बेटा वो उससे छोटा होगा, अमन होगा, क्लियर है, ए ऑप्शन, शाबाश, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्लियर, चलिए अगला क्या कह रहा है, ध्यान दे यात्रीगण, कृपया ध्यान दे, और ये बहुत बड़ा प्यारा सवाल है कि 4-7 को 65 दिखा जाता है, ये हो रहा है 4 और 7 के साथ एक ऐसी अभिक्रिया है जिसको 65 लिखा जाता है, और 3 और 5 एक ऐसी अभिक्रिया जिसको 34 लिखा जाता है, 5 और 8 ऐसी अभिक्रिया जिसको 89 लिखा जाता है, तो 9 और 11 कैसी अभिक्रिया जिसको क्या लिखा जाएगा, जल्दी से बताएं, क्लियर करें बेटा सवाल, क्लियर करें, मिस्टर विष्णु भगत गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, कैसे, चलिए मैक्सिमम शेयर कीजिएगा बेटा सेशन को, थोड़ा सा आप लोग शेयर नहीं करते हैं, बहुत गंदी गंदी बात है तुम्हारी, और बहुत शिकायतें आ रही है तुम लोगों की कि आप शेयर नहीं करते हो, पढ़ते नहीं हो, चलिए सर मैं आपकी क्लास में नया हूँ, ओके रोहिताश, स्वागत आपका मेरी क्लास में और इस परिवार में, आपका अभिनंदन बार बार, जार जार तार तार, चार चौक 16, सातु सातु 49, 9 6 15 5 बेटा दोनों का वर्क करके जोड़ दो, कुछ नहीं करना, आत्मा को तसल्ली दो इसकी को, कैसे 9 9 81 और 121, 2 0 हंस लगी, 202, ओ माय गॉड, सी ऑप्शन इज द क्लियर ऑप्शन, भैया 202 है, मौसम बढ़ा दीजिएगा और तीतरी कर दीजिएगा, अब फिर से सवाल कह रहा है, कुछ कुछ तो बात है कहना, लोगों का काम है कहना, कहते रहेंगे कि बेटा 18 है और पी का अर्थ है प्लस 12 है और टी का अर्थ है बेटा डिवाइडेड 4 है और क्यू का अर्थ है गुणा, गुणा का मतलब 8 है और वी का अर्थ है माइनस, माइनस 10 है, जल्दी से बता दो मौसम कैसे बढ़ेगा, चलिए 4 3 12 8 3 24 24 में से 10 जाएंगे 14 14 14 28 28 और 4 32, शाबाश, बिना कॉपी में पेन चलाए काम हो जाना चाहिए, आंखों के इशारे से काम होता है बेटा, चलिए
वीके राम राम भाई रे। बी 32 आएगा। देखो बेटा, चार का भाग 12 में लगाऊंगा, तीन बार जाएगा, तीन को 8 से गुणा करूंगा, 24 आ जाएगा। 24 प्लस 18 माइनस 10, 24 में 10 जाएंगे 14 आ जाएगा, 24 और 18 टोटल कितना आ जाएगा, 32 आ जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला आपके लिए इंफॉर्मेशन, जो कि आप लोगों को हमेशा पता है कि जिन लोगों ने अभी तक एनटीपीसी का मेंस कोर्स की तैयारी नहीं की है, तो बेटा हमारे पास एनटीपीसी मेंस कंप्लीट लाइव वीडियो कोर्स है ना, जो अवेलेबल है आपके मोबाइल ऐप, जो अपने परीक्षा एप्लीकेशन है, जिस पर आप अभी 40% ऑफ यूज कर सकते हैं, बीके पाठक करके 40। ठीक है बेटा, बीके पाठक 40 करके। ठीक है, तो यहां पर आपको एक स्पेशल आपको डिस्काउंट मिलेगा। साइंस आपको पाठक जी पढ़ाएंगे, मैथ्स आपको सोम सर, और रीजनिंग उसमें आपको मनीष नापी जी पढ़ाएंगे सर, है ना। आगे आ जाओ, ये क्या कह रहा है, कैलेंडर कह रहा है भाई, कॉन्स्टेबल है, कैलेंडर कॉन्स्टेबल का ये। वर्ष 2010 में स्वतंत्र दिवस सोमवार को मनाया गया, 2011 में ये किस दिन मनाया जाएगा। चलो भाई, मतलब 15 अगस्त 2010 को सोमवार था, तो 15 अगस्त 2011 को क्या वार होगा, बताओ। सिंपल सा सवाल, बता दो, खेच दो मीटर। चलिए देखो रे भाइयों, मेरी बहनों, मैंने आपको बता रखा है कि जब तारीख समान हो और केवल एक वर्ष का अंतर हो, अगर दी गई तारीख और पूछी गई तारीख के बीच में फरवरी में अगर 29 दिन आए, तो दिए गए वार में दो जोड़ दो वरना एक ही जोड़ो, तो बेटा आपका आंसर यहां पर आ जाएगा मंगलवार। कितना आ जाएगा बेटा, मंगलवार। सोचने की जरूरत नहीं बेटा आपको, चलिए सोचने की जरूरत नहीं है, हिम्मत की जरूरत नहीं बिल्कुल भी। चलिए आगे क्या कह रहा है, एबीसीडी एक गोल मेज की तरफ बैठे हैं। देखो बेटा, इनको गोल मेज पर बैठा दो, लपका दो, और आप ढंग से देख लेना बेटा इसको आराम से, क्योंकि इससे रिलेटेड पूरे 4-5 क्वेश्चन होंगे। मैं एक बार समझाऊंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद आपको बताना है। सी आई ई का पड़ोसी डी नहीं है, कोई बात नहीं। बी और सी का पड़ोसी ए नहीं है, कोई बात नहीं। जी जो डी के बाएं दूसरा है, यहां से पता लगेगा, जी जो डी के बाएं दूसरा है वह ई और एफ का पड़ोसी नहीं है, वो ई और एफ का पड़ोसी नहीं, कोई बात नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, मतलब बेटा ई और एफ यहां नहीं आएंगे, न तो यहां ई आएगा न इधर एफ आएगा, अभी तक हमें कुछ भी नहीं पता। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, ई और एफ का पड़ोसी नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। निम्नलिखित में से ठीक, सी या ई का पड़ोसी, सी या ई का पड़ोसी डी नहीं है। अच्छा, सी और ई का पड़ोसी डी नहीं है, देखो बेटा सी और ई का पड़ोसी डी नहीं होगा। अब देखो बेटा, डी अगर यहां पर ई का पड़ोसी नहीं होगा, तो सीधी सी बात है बेटा यहां पर कौन आएगा, एफ। तो यहां पर सीधी सी बात है बेटा, यहां पर कौन आ जाएगा, ई। तो ये तो सिचुएशन अपन ने पूरी बैठा ली। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, बी और सी का पड़ोसी ए है, बी और सी का पड़ोसी ए है। तो बेटा मुझे बताओ, अगर मैं सी इधर लिखता हूं और बी इधर लिखता हूं, तो उसका पड़ोसी ए होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये क्या कह रहा है कि सी और ई डी के पड़ोसी नहीं है, तो डी का पड़ोसी तो सी हो गया, तो बेटा यहां पर तो आ जाएगा बी, और यहां पर आ जाएगा बेटा कौन, सी। तो इस तरीके से आपकी चीजें मैंने जमा दी, ये तो हो गया बेटा सी हो गया, ये ए हो गया, ये कौन हो गया, बी हो गया, ये क्या आ जाएगा बेटा, डी आ जाएगा, ये एफ आ जाएगा, ये जी आ जाएगा, और ये ई आ जाएगा, बात खत्म। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब बोल क्या रहा है, निम्नलिखित किसी युग्म में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के तुरंत दाएं बैठा है, यानी जी के तुरंत दाएं कौन है, एफ। तो जी के तुरंत दाएं बेटा एफ है, पहला ही आंसर आ गया, मन में गंदे विचार आना ही नहीं चाहिए। ई के तुरंत दाएं कौन है, सी। ई के बाएं सी है, तो ये दूसरा गलत हो जाएगा। ए के तुरंत बाएं कौन है, बी। तुरंत दाएं, ई के तुरंत दाएं कौन है भैया, ई के दाएं, ई के दाएं बी नहीं होगा बेटा, ये गलत हो जाएगा। बी के दाएं कौन होगा, डी। तो बी के दाएं डी नहीं होगा बेटा, ये गलत हो जाएगा। तो बेटा केवल पहला, जी और एफ। और इस सिचुएशन को आप उतार ले, क्योंकि इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन आएंगे, और फिर आप मुझे मत बोलना कि गुरुजी आपने नहीं बताया। चलिए बेटा शाबाश बेटा, 3:55 पर दोनों सुइयों के बीच एंगल बताऊं, ये मैंने जब क्लॉक पढ़ाया था उस दिन मैंने पूरा पढ़ा दिया था बेटा। आप रेगुलर क्लास लेते हैं क्या, टॉपिक वाइज क्लास होती है अपनी, मैंने शाम को 8 बजे मैराथन में पढ़ाया था, मैंने अनाउंस किया था, आप लोग आते नहीं है क्लास में,
जिस टॉपिक को जिस क्लास में समझाया था वहां पूछें। थैंक यू मिस्टर विकास भारती, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार भारती सर, बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद धन्यवाद। रोहिताश, मेरी क्लास मेरी क्लास द स्टडी कैफे भाई परीक्षा पर रोज 10 से 11 होती है बेटा, 10 से 11। माई केवट आप समझे बेटा, आप भूल गए उस दिन मैंने अनाउंस किया था लास्ट टाइम पर कि बेटा शाम को 8 से 10 बजे अपनी एक मैराथन क्लास होती है जिसमें आप एक दो बार आई भी थी, तब मैंने बताया था कि बेटा इसमें अपन पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग क्लॉक पढ़ेंगे, देन उसके बाद कैलेंडर में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, आप भूल गई बेटा। मैं क्या करूं बेटा, तुम बताओ मैं क्या करूं, मैं मर जाऊं। चलिए बेटा अभी बताने में प्रॉब्लम है क्योंकि मुझे नहीं आता, नालायक अभी ये चल रहा है ना सेशन, अलग से क्या बताऊंगा बताओ। 3:05 पर 55 मिनट पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। अगला सवाल, सी का स्थान कौन सा है, जल्दी बताओ आप लोग आंसर बताओ, इस नालायक को बता देता हूं नहीं तो मन ही मन में कोसेगा मुझे। देखो बेटा थीटा बराबर 11/2 गुणा में मिनट और माइनस टाइम गुणा में 30 है, ठीक है, और आप बोल रहे हो बेटा 3:55 पर, तो बेटा 11/2 हो जाएगा, मिनट आ जाएगा आपका 55 और माइनस टाइम आ जाएगा 3 गुणा में 30, ठीक है। आप इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, तो 11, 5, 55 का 5 ऐसे लगी 5, 11, 5, 55 और 5 कितने हो जाएंगे बेटा 60, इसमें किसका भाग दे दोगे 2 का और माइनस के 90 कर देंगे, ठीक है, 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 2 3 6 10 बज गए, 2 5 10 फिर 2 2 4 और 0.5, 352 में से कितने घटा दोगे 90, तो 352.5 में से 90 घटा देना तेरा आंसर आ जाएगा भाई। चल चलिए भाई दो सौ बासठ पॉइंट पांच डिग्री इसका आंसर बताओ। सर हम आए थे, आप अजीब से क्वेश्चन पढ़ा रहे थे राजस्थान में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो नीली तो बेटा मैं क्या करूं, अजीब से क्वेश्चन क्या है, अजीब से क्वेश्चन मैंने तो पैदा नहीं किए ना भाई, जो एक सिलेबस में आते वही तो आते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम बताऊं क्या है, आप लोग कुछ नया नहीं सीखना चाहते, दिक्कत है, टीचर कितना ही सिखाए आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर रहना ही नहीं चाहते, आपको जो आता है वही पढ़ाते रहो तो आपको मजा आएगा, आप टिक्के नहीं बैठते, आप एक घंटा अगर क्लास लेते हो तो उसमें 2 क्वेश्चन समझ में आते आपके, कम से कम 2 भी आते तो आप उसको बेहतर तरीके से समझ सकते थे, पर आपको समझाए कौन, फ्री की यूट्यूब क्लास है, सब अपनी मनमर्जी करते हैं, हम चला करके आपको नहीं बुला सकते, आपकी मर्जी होती है तो आप आएंगे वरना नहीं आएंगे, ठीक है। वही यही चीज अगर आप मेरे पास जयपुर में आते और 15,000 फीस देके जब आप मेरे से ऑफलाइन पढ़ते तब पता लगता है कि पैसे जाने का और फ्री की चीज का पता कैसा लगता है, तो आपकी मर्जी है, मोबाइल खोला तो ले लिया वरना नहीं लिया। अगर इसी चीज को सिंसियरली आप बैच की तरह देखें तो बेटा मुझे लगता है कि काफी अच्छा कर पाओगे आप अपने साथ, सभी के लिए बोल रहा हूं मैं। ऑप्शन नहीं है हेमंत कुमार तो उसको 360 में से घटा देना बेटा, आ जाएगा। कोण 2 प्रकार के बनते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में से किस समूह में दूसरा व्यक्ति पहले और तीसरे के बीच में बैठा, जल्दी से बताओ, पहले और तीसरे के बीच में बैठा, जल्दी बताओ बेटा, शाबाश, जल्दी से बता दो। ई इनमें से कोई नहीं, शाबाश शाबाश। तो दोस्तों आज का सेशन अपना यहीं तक था, मजेदार था, और मैं आप लोगों को अपना टाइमिंग बता देता हूं, 10 से 11 मेरी रीजनिंग की क्लास होती है, 11 से 12 मैथ्स की क्लास होती है सोम सर की, देन उसके बाद आपके 8 से 9 आपकी साइंस की क्लास होती है, तो इसी प्रकार बने रहिएगा मेरे प्यारे भाइयों, देवी देवताओं है ना, और मेरे लाडे सरों लाडो रानियों, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद जय भारत, राम राम।